Hello dear students, I am Ajay Karmarkar. Before proceeding further, I would like to say one thing. Please sit with copy pen, watch video completely and stop the video and note where you find important and go further. If you do not understand any point, please write in comment box. I'll definitely solve your problem when I get the time. And along with, please like, share and pressing the bell icon and subscribe my channel. Because it works as a tonic for my efforts. Okay. तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है क्या, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना में ये कैसे यूज होता है, चलिए वो समझते हैं. तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन फिनोमिना में, मेरे बात को ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, रिफ्लेक्शन फिनोमिना में रिफ्लेक्शन हो जाना. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अगर कोई रे ऑफ इंसिडेंस पड़ती है तो आफ्टर इंसिडेंट इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. ये रिफ्लेक्शन है, इसमें सेम मीडियम होता है. लेकिन रिफ्लेक्शन फिनोमिना में क्या होता है, व्हेन रेयरर मीडियम, और यहां पर डेंसर मीडियम. ध्यान रखिए, यहां मीडियम का चेंज होना बहुत जरूरी है. सेम मीडियम होगा तो लाइट कैसी होगी, रे सीधे ट्रेवल करेगी. तो यहां पर जब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जब रे इंसिडेंस होती है तो बेंड्स टूवर्ड्स टू द नॉर्मल हो जाती है, यानी आई और आर. तो इस केस में क्या हो जाता है, आई इज ग्रेटर देन आर, मतलब आर छोटा होता है क्योंकि तो ये नॉर्मल की ओर झुकी हुई रहती. और इसी प्रकार से अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, मतलब डेंसर मीडियम मीन्स कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर के रिस्पेक्ट में, है ना. तो ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, और ये हो गया आपका रेयरर मीडियम. तो जब बेंड्स जब डेंसर मीडियम से आएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी. तो उस केस में क्या हो जाएगा, R is greater than I. तो ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है. इसमें स्नेल्स रूल लगता है, म्यू वन म्यू टू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. वन म्यू टू का मतलब होता है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. वन म्यू टू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. अलग अलग नोटेशन में अलग अलग यूज होता है, कहीं ऊपर लिखा रहता है, कहीं नीचे लिखा रहता है. आप लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि लेफ्ट साइड जो होगा उसके रिस्पेक्ट में, वो राइट साइड में, मतलब जिसका अपने को निकालना होता है. तो सबसे पहले आपने कंसेप्ट समझ लिया कि रिफ्लेक्शन है क्या और रिफ्रैक्शन क्या है. रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन, जब रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में ही जब रिफ्लेक्शन चालू हो जाता है तब उसे कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो कैसे होता है वो देखते हैं. तो अब यहां देखिए, सबसे पहले मैंने नीचे लिखा हुआ है डेंसर मीडियम और ऊपर है रेयर मीडियम. व्हेन रे पासिंग थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एज यू नो दैट हियर आर इज ग्रेटर देन आई, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगा. तो आई जो है वो छोटा रहेगा और आर बड़ा रहेगा. अब हम ऐसे ही धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे आई की वैल्यू को बढ़ाते चलते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चलते हैं. तो हमने सेकेंड केस में हमने देखा कि हमने आई को बढ़ा दिया तो और अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ गया. धीरे धीरे अगले केस में एक पर्टिकुलर केस ऐसा आएगा जहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको 90 डिग्री मिलेगा, मतलब सरफेस पर ग्लेज हो जाएगी, मतलब रे सरफेस पर पहुंच जाएगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपको दिखाई नहीं देगी. रिफ्रैक्टिंग रेज जो है वो आपको सरफेस पर दिखाई देगी, आपको वो रे अलग से नहीं दिखाई देगी. तो दैट केस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. कौन सा क्रिटिकल एंगल होगा, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, फॉर दैट आर इक्वल टू 90 डिग्री. उसके लिए आर आपका 90 डिग्री हो जाएगा. अब उसके बाद इस क्रिटिकल, इस पर्टिकुलर केस के बाद आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से और बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, ये फिनोमिना, ये रे जो है आपके वहां जाने के बजाय, उस सरफेस में जाने के बजाय, उस मीडियम में जाने के बजाय, वो क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी. मतलब ये हो जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये केस हो जाएगा.
अब इस केस में क्या हो जाता है, आपका स्नेल्स लॉ लगेगा। तो स्नेल्स लॉ हमारा ये मीडियम सेकेंड है और ये मीडियम फर्स्ट है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, राइट। यहां पर अभी हमारा आई क्या है, आई हमारा आईसी के बराबर है, तो ये हो जाएगा आईसी, और ये साइन आई इक्वल टू आईसी पर आर कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो साइन हो गया 90 डिग्री, और ये 2μ1 को हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है रिवर्सिबिलिटी, 2μ1 1μ2 इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 1। आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को रेयर टू डेंसर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या करा, 1/1μ2 इक्वल टू साइन आईसी अपॉन साइन 90, तो ये कितना हो जाएगा। और 1μ2 को जनरली कैलकुलेशन और डेरिवेशन के दौरान हम इतना 1μ2 और बार बार नहीं लिखते, तो इट कैन बी रिटन एज 1/μ, ये याद रखिएगा हम ऐसे नोटेशन का यूज करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/μ इक्वल टू साइन आई सी, और साइन 90 तो हो गया 1, तो इसका मतलब ये हुआ म्यू कैन बी रिटन एज 1/sin IC। तो ये फैक्ट आपको अब याद रखना है कि हमने बात की है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस में कौन सी कंडीशन अप्लीकेबल होती है, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, ये ध्यान में रखना है आपको। और आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मतलब कौन सा, वो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बिकम 90 डिग्री, उससे ज्यादा होगा तब ये क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना इसमें एप्लीकेबल होगा। इस पर बेस्ड IIT और CBSE में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, प्रिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए, चलिए हम उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड हैज अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2/√3, इट इज सराउंडेड बाय एयर, अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ द रॉड एज शोन इन द फिगर, द इंसिडेंट एंगल थीटा ऑफ विच द लाइट रे ग्रेजेस अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड इज साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स 2/√3, साइन इनवर्स 1/√3, और आपको म्यू कितना दे रखा है 2/√3। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, तो यहां पर म्यू जो दे रखा है, खाली म्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ एयर टू ग्लास, यहां पर एयर टू ग्लास, ठीक है ना, यानी म्यू का जो नोटेशन यूज किया जा रहा है aμg यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंस जो भी होगा वो इस प्रकार हमेशा ध्यान रखिए, यहां पर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब एयर है। तो अब यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर से रे ग्लास में एंटर कर रही है, और ग्लास में करने के बाद यहां पर देख लो यहां से गायब हो गई, तो गायब हो गई तो कहां गई, ये सरफेस पर ग्रेज हो गई। सरफेस पर ग्रेज किस केस में होती है, अभी आपने देखा कि इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में ऐसा केस होता है, मतलब ये आपका क्रिटिकल एंगल हो गया, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या है, साइन आई सी, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, सी मतलब क्रिटिकल, ये नोटेशन है आई सी, तो 1/μ। अब ये 1/μ कितना है, 2/√3, रेसिप्रोकल हो गया, तो √3/2 हो गया साइन आई सी। एज यू नो दैट √3/2 साइन की कौन सी वैल्यू है, साइन की 60 की वैल्यू है, ये साइन 60 डिग्री, साइन आई सी मतलब आई सी आपका कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये ऑब्वियसली 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर ये 30 डिग्री हो गया, हमें ये थीटा चाहिए, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, ग्लास का ग्लास ही है, मटेरियल कोई चेंज नहीं हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन हाँ यहां चेंज क्या हुआ है, आई और आर, अब ये आपका आई हो गया और ये आपका आर है, अब यहां पर आपका साइन आई, हमें साइन आई निकालना है, साइन आर, अब ये आर कितना हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री रखेंगे हम यहां पर, और म्यू की वैल्यू कितनी है 2/√3, ये 2/√3। अब यहां पर साइन 30 की वैल्यू रख देंगे,
तो कितना हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन आई, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा साइन आई इक्वल टू 1/√3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो आई क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, विल दिस रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द फेस ए सी, जस्टिफाई योर आंसर, एंड दिस क्वेश्चन आज 2018 CBSE। चलिए तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारी सरफेस जो है एबीसी इक्विलेटरल प्रिज्म है और यहां पर 90 डिग्री सरफेस पर एबी सरफेस पर ये रे इंसिडेंट हो रही है, 90 डिग्री पर हो रही है, इसका मतलब ये कि डिविएट नहीं हो रही है, सीधे ये सरफेस पर आएगी। यहां पर इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ए बी और सी। अब क्या होता है यहां पर ये 90 है, इक्विलेटरल में इच एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये 60 ये 90 तो ये हो गया 30। अब इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 60 हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास म्यू जो रिलेटिव म्यू दे रखा है, एक तो आपका ग्लास में मतलब ए म्यू जी, और फिर सिस्टम को वाटर में रखा हुआ है तो ये कितना दे रखा है ए म्यू जी आपको दे रखा है 3/2, और वाटर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका दे रखा है 4/3। चलिए ये 4/3, तो म्यू कितना हुआ आपका 3×9/8, ये तो हमारी कंडीशन हो गई, म्यू की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास अब क्या करना है, अब हमारे पास रिलेशन है क्रिटिकल एंगल का, साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, देन साइन आई सी इक्वल टू म्यू कितना है 9/8 का रेसिप्रोकल मतलब 8/9, और ये 8/9 की वैल्यू कितनी होती है 0.88, ये वैल्यू है। आई सी की वैल्यू एंगल भी निकाला जा सकता है लेकिन हमें उसमें अपने कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैसे ही निकाल लेंगे, तो साइन आई सी वैल्यू 0.88 है। अब यहां पर कितना हो रहा है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है 60 डिग्री, तो साइन 60 मतलब आई आपका 60 दे रखा है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3 मतलब 1.732 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 0.86, यानी ये साइन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0.86 है और आपका क्रिटिकल एंगल जो है 0.88 है, मतलब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0.86 है और क्रिटिकल एंगल कितना है 0.88 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से छोटा है, मतलब ये फिनोमिना इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, साइन आई सी की वैल्यू 0.88 आ गई और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0.86 है, जैसे हमारी कंडीशन होती है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, अगर ये कंडीशन अप्लीकेबल होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है, लेकिन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी आ रही है 0.86, जबकि आना कितनी चाहिए 0.88 से ज्यादा आना चाहिए, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना इस केस में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।